हेलो स्टूडेंट, दिवाली की छुट्टियां हमारी खत्म हो गई है। तो दिवाली में आप सबने क्या क्या किया? दिवाली में सबने पटाखे तो फोड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे खेल भी खेले होंगे। तो देखो, उसी खेल के आधार पर आज हम एक रोमांचक नाटक देखने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छा, आपको पसंद आएगा वैसा नाटक आज हम देखने वाले हैं। यानी कि इस लेसन का नाम क्या है? सबसे बड़ी जीत। लेसन का नाम क्या है? सबसे बड़ी जीत। यह क्या है? नाटक है। लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 8। पेज नंबर है 52। पेज नंबर 52। तो चलो देखते हैं इस नाटक में क्या क्या, यानी कि कौन सा खेल खेलने के लिए हम देख, कौन सा खेल इसमें जो शामिल पात्र है वह खेलने वाले हैं, यह हम देखते हैं। कौन सा लेसन है? सबसे बड़ी जीत, यानी कि यह क्या है? एक नाटक का है, यानी कि ड्रामा है। देखो, इस ड्रामे में कौन कौन है? रमन है, राजू है, चीकू खरगोश है, जंबो हाथी है, बगीरा चीता है। कौन कौन है? रमन है, राजू है, चीकू खरगोश है, जंबो हाथी है, बगीरा चीता है, और कौन है? टिंकू कछुआ है। तो देखो, रमन और राजू क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें देखकर इन सब एनिमल्स ने क्या सभी एनिमल्स ने क्या ठान ली कि हम भी आज कौन सी तो गेम खेलेंगे। तो देखो, आज रविवार है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट का मैच है। आज कौन सा वार है? रविवार है, और भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? T20 मैच है। बच्चे बहुत खुश है, वे मैदान में बैठे क्रिकेट मैच की बातें कर रहे हैं। देखो, रमन और राजू अपने बीच में जो बातें कर रहे हैं वह कौन तो सुन, कोई तो एक एनिमल सुनता है और जंगल में जाके वह भी वैसे ही करते हैं। देखते हैं हम क्या कहते हैं। रमन क्या कहते हैं? देखो, रमन से आज तो क्रिकेट मैच है। रमन क्या कह रहा है? आज तो क्रिकेट मैच है, कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आएगा, खूब चौके छक्के लगाएगा। तो उस पर राजू क्या कहता है? देख लेना, आज तो भारत ही जीतेगा। बच्चों की ये सारी बातें झाड़ी के पीछे बैठा चीकू खरगोश सुन रहा था। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की बातें कौन छुपके से सुन रहा है? झाड़ी के पीछे बैठकर चीकू खरगोश सुन रहा है। उसके दिमाग में आया क्या आया? देखो, चीकू खरगोश बोलता है, क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेले, यानी कि कहाँ पे? जंगल में जाकर क्या खेले? T20 क्रिकेट खेले। उसका नाम क्या है? सुंदरवन। चीकू खरगोश क्या अपने आप से कहता है, क्यों ना हम भी सुंदरवन में जाके T20 क्रिकेट खेले। वहां उछल कूद करता हुआ अपने सुंदरवन में जा पहुंचा, यानी कि वह दौड़ते दौड़ते कहां पहुंच गया? अपने सुंदरवन में जा पहुंचा। अब देखो, उसके बाद क्या होता है? चीकू खरगोश क्या करता है? चीकू खरगोश बोल रहा है, सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेले। देखो, यहाँ पे सभी एनिमल्स एक साथ है, और यहाँ पे ये चीकू खरगोश जो है वह क्या कह रहा है अपने सभी साथियों को? क्या कह रहा है कि क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेले। वह उछल कूदता हुआ कहा गया सुंदरवन में गया, और चीकू खरगोश सभी अपने साथियों को क्या कह रहा है? सभी लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्यों ना हम भी सुंदरवन में T20 क्रिकेट खेले। उस पर जिम्बो हाथी क्या कहता है? देखो, तो देर किस बात की, चलो
बनाओ दो टीमें। जिम्बो हाथी तो उससे सहमत हो गया और क्या कहने लगा, तो देर किस बात की, चलो बनाओ दो टीमें, मेरी टीम में जो आना चाहता है आ जाए। उस पर बगीरा चीता क्या कहता है, देखो बगीरा चीता क्या कहता है, और जो मेरी टीम में आना चाहता है वो मेरी टीम में आ जाए। यानी कि टीम के लीडर कौन कौन हो गए, जिम्बो हाथी और बगीरा चीता, यह क्या हो गए, दो टीम के दो क्या हो गए, कप्तान हो गए ना, जिम्बो हाथी और बगीरा चीता। हमारे यहाँ क्रिकेट के कप्तान कौन है, धोनी जी है या विराट कोहली जी है, कौन है, विराट कोहली जी है ना। तो देखो वहां उनमें कौन हो गया, सुंदरवन में दो टीमें बनी गई और उसमें एक जिम्बो हाथी कप्तान हो गया एक टीम का और दूसरे टीम का बगीरा चीता कप्तान हो गया। देखो जिम्बो हाथी क्या कह रहा है, तो देर किस बात की, चलो बनाओ दो टीमें, मेरी टीम में जो आना चाहता है आ जाए। उसके बाद बगीरा चीता क्या कह रहा है, और जो मेरी टीम में आना चाहता है वो मेरी टीम में आ जाए। अब इस पर चीकू खरगोश क्या कहता है, देखो मटकते हुए आता है और क्या कहता है, मैं तो बगीरा चीता की टीम में जाऊंगा। चीकू खरगोश यानी कि यह है चीकू खरगोश, यह किसके टीम में शामिल होना चाहता है, बगीरा चीता के टीम में, यानी कि बगीरा एक टीम का कप्तान है और कौन है, जिम्बो हाथी एक टीम का कप्तान है। खरगोश चीकू खरगोश किसके टीम में शामिल होना चाहता है, बगीरा चीता के टीम में शामिल होना चाहता है। अब टिंकू कछुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कछुआ टिंकू कछुआ क्या कह रहा है, और मैं भी तो, टिंकू कछुआ क्या कह रहा है और मैं भी तो, इतना कहता है और रुकता है। उस पर चीकू खरगोश क्या कहता है, नहीं जिस टीम में मैं रहूंगा उस टीम में तुम नहीं जाओगे। देखो चीकू खरगोश क्या कह रहा है टिंकू कछुए को, क्या कह रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जिस टीम में मैं रहूंगा उसी टीम में तुम नहीं जाओगे। यानी कि हंसी उड़ाते हुए, तुम तो एक घंटे में एक कदम चलोगे धीरे धीरे। यानी कि क्या, कछुआ कैसे होता है, धीरे धीरे चलता है, और खरगोश कैसे, दौड़ते दौड़ते ही वहां तक कब पहुंच जाता है ये हमें समझ में भी नहीं आता है। इसीलिए टिंकू कछुए से चिंकू खरगोश कह रहा है कि तुम एक घंटे में एक कदम चलोगे धीरे धीरे से, और तब तक गेंद चली जाएगी कहां तक, बाउंड्री तक। गेम कहां तक पहुंच जाएगी, बाउंड्री तक, यानी कि जहां पे सीमा होती है वहां तक पहुंच जाएगी। उस पर टिंकू कछुआ क्या कहता है, देखो चीकू ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे, जैसे तुम तो धोनी हो छक्के ही लगाओगे। देखो टीकू कछुआ क्या कह रहा है, चीकू ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे, जैसे तुम तो धोनी हो जैसे कि छक्के ही लगाओगे। दोनों का झगड़ा बढ़ता देख जिम्बो हाथी आगे आया। उन दोनों का झगड़ा बढ़ता देखते ही कौन आगे आ गया, एक टीम का लीडर एक टीम का कप्तान कौन है, जिम्बो हाथी है। वह क्या हुआ, आगे आया, और जिम्बो हाथी क्या कहने लगा, झगड़ा यानी कि क्या, झगड़ा करते हो ना आप भी, लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई देखकर कौन आ गया, आया जिम्बो हाथी, और क्या कहने लगा, देखो जिम्बो हाथी क्या कहने लगा, बंद करो लड़ना, बंद करो लड़ना, यानी कि झगड़ा करना बंद करो, हमेशा लड़ते रहते हो। टिंकू तुम मेरी टीम से खेलो, टिंकू कौन है, कछुआ है। यह टिंकू कछुए को जिम्बो हाथी क्या कह रहा है, मेरी टीम से खेलो। इस तरह से दो टीमें बनी, कप्तान कौन बन गया, जिम्बो हाथी की रॉयल्स टीम। जिम्बो हाथी की टीम का नाम क्या हो गया, रॉयल्स टीम, और कप्तान बगीरा, बगीरा जो चीता था उस टीम का
टीम की तेजा टीम नाम बनाया गया, एक रॉयल्स और दूसरी तेजा। अंपायर बने ब्लैंकी चिंपाजी और खेल की कमेंट्री के लिए आई गप्पी लोमड़ी। देखो अंपायर कौन बने, ब्लैंकी चिंपाजी और खेल की कमेंट्री के लिए कौन आए, गप्पी लोमड़ी। अब देखो इसके आगे हम क्या करते हैं, आज तक हम आज इसी तासिका में सबसे बड़ी जीत यह इस नाटिका का भाग यही तक ही देखते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने पढ़ाया है वह आपको ठीक से ध्यान देके रीड करना है और उसके साथ साथ उसके शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। धन्यवाद।